लंबी लड़ाई कहीं ना कहीं लड़ी है जो हरियाणा पर इसके राइट लाने के लिए, तो भी साहब क्या कुछ रहा अब तक जिस तरह सम्मान किया गया सिंह साहब का? आज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उनके जब गठन हुआ और उसके बाद दूसरे पक्ष ने जब विरोध किया, वो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया, जिसमें अभी दो दिन पहले फैसला हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में आया। आज सब कमेटी के सदस्य पूरे प्रांत से माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्राना करने के लिए आए, उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा जिस प्रकार से आपने स्टैंड लिया और सरकार का पक्ष भी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ था और जिस तरह से आपने हमारी मदद की, उसके लिए आभार व्यक्त करने आए और उन्होंने कहा कि आगे ये सारा काम सुचारू रूप से चले, ये भी प्रार्थना उन्होंने रखी। सबसे बड़ी इसके अंदर और खुशी की बात रही कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी काफी सदस्य यहाँ पर थे, उन्होंने भी अपने मन के भाव रखे, उन्होंने भी खुशी जताई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है हम उसके साथ हैं। 11 में से 8 जो हरियाणा के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य थे वो भी आज यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये अभी HSCPC की तरफ से क्या कोई मुख्यमंत्री से और अपील की गई हो, मांग की गई हो, क्योंकि इनके HSCPC का जो चुनाव होना है उसको लेकर अभी एक आपसी मतभेद? अभी तो जो चुनाव के द्वारा ही बने हुए हैं, जो अभी एट प्रेजेंट जो प्रेजिडेंट है, अगले चुनाव में जो होगा वो कमेटी के सदस्य हैं उनके अख्तियार में है। उसमें मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ये समाज का काम है, संगत का काम है, जो भी निर्णय हो संगत ही करे और संगत इसको बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ इसको करे। सरकार से जो भी अपेक्षा है उस नाते से हम सरकार की अपेक्षा आपके लिए पूरी करेंगे। तो HSCPC धादुपाल जी रहेंगे अभी जो हैं मौजूद? अभी तो फिलहाल वो जो इन्होंने ही चुना है, इन्होंने ही चुनाव के नाते से चुना था। कल कुरुक्षेत्र में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं हम सरकार पे भी ये चीज देंगे जिम्मेवारी नहीं, ये देखिए जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रबंधक कमेटी का, उसको स्टडी भी कर लें और जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो भी होगा लॉफुल जो भी होगा वही कर। पुराना जो कहीं ना कहीं पंजाब से कनेक्शन था वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? वो उनका राइट है, अगर वो जाते हैं तो वो उनका राइट है। अब पर मुझे लगता है कि सीनियर बेंच के अंदर ये फैसला है, फिर भी अगर उनका राइट है तो हमें उसमें कोई दिक्कत। कम से कम ये कहा जा सकता है कि हरियाणा के जो सिख समाज है इस फैसले से पूरी तरह से खुश है और वो मेरे ख्याल आपने खुद अपनी आंखों से भी देखा, आपकी कैमरे की नजर में भी वो आए कि आज बहुत जबरदस्त उत्साह था, बहुत खुश था। और मैं कहता हूँ अलग अलग ग्रुप्स भी थे, ये नहीं था कि सभी, मान लो झिंडा साहब आए तो अजराना जी भी आए, चीका जी भी आए, बाबा सुखा सिंह जी भी आए, काफी लोग सिरसा से आए, अम्बाला से आए, हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ से ना आए। सर हर जो भी विषय होता है उसके राजनीतिक मायने भी देखे जाते हैं, नहीं लंबे समय का ये विषय था, मौजूदा सरकार ने इसकी कड़ी पैरवी करी है? हाँ जी, वो मैं समझता हूँ करनी ही चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से जो चाहे रिवेन्यू के रूप में या गुल्लक के रूप में मतलब करोड़ों रुपया यहाँ पर इकट्ठा होता था, लेकिन हरियाणा की संगत की बेहतरी के लिए वो पहले जो लोग देख रहे थे उसकी मैनेजमेंट उन्होंने नहीं लगाया, उसी की रिजेंटमेंट थी जिसके कारण ये अलग से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी। और दिल्ली की ऑलरेडी है, पटना साहब भी है तो यहाँ भी बनी, आप सबको बहुत खुशी है। जिंदा साहब आपकी भी एक प्रतिक्रिया इस पर कुछ और मांग भी रखी है सरकार से आप इस बारे में कि अभी ये 2.5 साल के लिए अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें क्या प्रोविजन है कि चुनाव कब कराया जा सकता है, कैसे कराया जा सकता है, वो उसकी जानकारी तो देखने के बाद ही होगा। जिंदा साहब की भी प्रतिक्रिया।